हेलो दोस्तों, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं करौधे का अचार थोड़ा सा बनाने जा रही हूँ। ये करौधा मैंने धुल के अच्छी तरह से सुखवा लिया था, अब इसको काट के बिया निकाल रही हूँ। हाँ दोस्तों, मैंने करौधा काट लिया है। अब ये गैस जला ऑन करके तेल रख दिया है, कढ़ाई में गर्म हो रहा है। ये मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और सौंफ, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। एक करौधा है और मिर्चा काट लिया है बड़े बड़े पीस में, लहसुन कूट के रख लिया है। तेल गरम हो जाए तब इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। मसाला भी थोड़ी बाद में डालेंगे, मसाला डालने से पकाने लगता है। अब इसमें हम कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं। कैसे पकाएंगे उसके बाद मसाला डालेंगे, बहुत जल्दी बन जाएगी। दोस्तों इसको धीमी आंच में हमने पकाया 2 मिनट, इसमें ये मसाला डालेंगे। इसको मिलाएंगे, नमक डालेंगे थोड़ा सा। मसाला इसलिए बाद में डालते हैं, देखिए हल्का हल्का पकड़ने लगा है। इसको 2 मिनट बस ऐसे मिला देंगे धीमी आंच पे, बन गया। 5 मिनट में बनता है दोस्तों। ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रहता है, ख़राब नहीं होता है। ये हमने गैस बंद ऑन, हाँ दोस्तों ये बन गया है, इसको हम निकाल रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से आप भी बनाइए और खाइए, बताइए कैसा लगा। अभी क्या कहते हैं, मेरा न्यू चैनल है, अभी थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।